नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। हरिद्वार में आयोजित होने वाला कुंभ मेला 2021 अब 30 दिनों की बजाय 28 दिनों का हो गया है। ये फैसला उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लिया है। इतना ही नहीं, कुंभ मेले में कोविड-19 और SOP का उल्लंघन करना श्रद्धालुओं को महंगा पड़ सकता है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बयान जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 और SOP का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने कुंभ मेला 2021 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि मेले में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के अंदर कराई गई RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इस रिपोर्ट को उन्हें एंट्री पॉइंट पर पेश करना होगा। इसके साथ ही कुंभ मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को www.haridwarkumbhmela2021.com या फिर www.haridwarkumbhpolice2021.com वेबसाइट के जरिए पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद उन्हें जो ई पास या ई परमिट मिलेगा, उसी से लोग हरिद्वार की सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से मान्यता प्राप्त मोबाइल लैब की स्थापना भी हरिद्वार में कर दी गई है। राज्य की 5 अलग अलग सीमाओं पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा का इंतजाम किया गया है। हरिद्वार कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आपस में 6 फीट की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इस बात पर उत्तराखंड सरकार ने खासा जोर दिया है। इतना ही नहीं, विदेश से आने वाले यात्रियों को भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तय गाइडलाइंस का पालन करना होगा। SOP का उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन एक्ट और IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार ने ये भी साफ किया है कि ये प्रतिबंध सिर्फ मेला क्षेत्र में मेला अवधि के दौरान ही लागू होंगे। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन को केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाया है। इस कंट्रोल रूम से पूरे कुंभ मेले के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर भी नजर रखी जाएगी। दरअसल केंद्रीय कंट्रोल रूम को आसपास के सभी रेलवे स्टेशन के साथ CCTV कैमरों से जोड़ दिया गया है, जिससे रेलवे स्टेशन पर आने जाने वालों पर भी नजर रखी जा सके। आपको बता दें कि एविएशन कंपनी स्पाइस जेट की हेल्थ केयर शाखा स्पाइस हेल्थ ने भी कुंभ मेले के मद्देनजर तीर्थ यात्रियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ एक मेमोरेंडम साइन किया है। स्पाइस हेल्थ का कहना है कि मेले में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है और हम उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर ये जिम्मेदारी उठाने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, कुंभ मेले में हर बार लाखों की संख्या में दुनिया भर से लोग शिरकत करते हैं। ये धार्मिक मेला हर 4 साल में पारी पारी से गंगा नदी हरिद्वार, इसके बाद क्षिप्रा नदी, गोदावरी और गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट प्रयागराज में मनाया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।